नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। आप सबका बहुत बहुत मैं दिल से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो इस चैनल को प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके, इस सब के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज 24 जुलाई है और आज सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा, जो कि एक एज रोमांटिक फिल्म है और जो बेस्ड है जॉन ग्रीन की एक नोवेल है द फॉल्ट इन आवर स्टार, उस पे बेस्ड ये फिल्म है। काफ़ी अच्छी एक रोमांटिक फिल्म है और रोमांस के साथ साथ इमोशन और हर वो चीज़ भरा हुआ, क्योंकि म्यूजिक इसका AR रहमान साहब ने दिया है, तो आप समझ सकते हो कि किस दर्जे का म्यूजिक है। और इसे डायरेक्ट किया है मुकेश छाबरा, जो काफ़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। उनकी ये फिल्म है, उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्म को सजाई है, डायरेक्ट किया है, प्रेजेंट किया है। तो कह सकते हैं आप जैसा ट्रेलर देखे होगे, आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, उस हिसाब से फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है, क्योंकि ये जो इसमें जो लीड भूमिका में है सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांगी, दोनों कैंसर से पीड़ित रहते हैं, केजी बसु एंड अक्का मैनी, दोनों कैरेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और सैफ अली खान भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग काम किया इस फिल्म में, जो हम देखने के बाद हमें पता चलेगा। तो मैं यही कहने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप सब लोग इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पे जाके इतना देखो, सब लोग वॉच करो फिल्म को और इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म चल रहा है, जो हावी है, जिसका आपको जीता जाता होगा, उदाहरण है सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर और आत्महत्या, क्योंकि ये नेपोटिज्म ही है जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या को मजबूर हो गए। जिस तरीके से इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म हावी है और इसका नतीजा जो आप देख ही रहे हो, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, और ये आत्महत्या नहीं एक प्रकार का मर्डर है, क्योंकि जो बड़े स्टार हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो बड़े स्टार हैं उनके बेटा स्टार ना बने, ये स्वाभाविक है कि एक स्टार का बेटा स्टार बन सकता है, एक लीडर का बेटा लीडर बन सकता है, बनना भी चाहिए। बट अगर एक बाहर से आया हुआ आउटसाइडर आके अपने बलबूते अगर स्टारडम प्राप्त करता है, तो क्यों उसे इस तरह दबाया जाता है, क्यों उसे इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि अंततः उसे आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया जाता है। छानबीन चल रही मुंबई पुलिस के द्वारा और बहुत जल्द रिजल्ट आप सबके सामने होगा। धीरे धीरे रिजल्ट आना भी शुरू हो गया है। मुंबई पुलिस ने काफ़ी बड़े बड़े जो एक्टर हैं उन लोगों को भी पूछताछ किया उन लोगों से, और बहुत जल्द रिजल्ट आप लोग के सामने होना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब इस फिल्म को इतना देखो, रिकॉर्ड तोड़नी चाहिए ये फिल्म, ताकि जो नेपोटिज्म हमारे इंडस्ट्री में जो हावी है वो ख़त्म हो, और हमारे जो आउटसाइडर हैं, जो एक्टर हो चाहे वो टेक्नीशियन हो, जो आउटसाइड से आके बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाते हैं, उसे इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो। जब राजनीति में, राजनीति के अंदर जब वंशवाद की बातें होती है, उस पर जब विरोध होता है, तो बॉलीवुड में क्यों नहीं, क्यों एक बड़ा स्टार, उसी का बेटा स्टार, अगर उसके अंदर टैलेंट हो या ना हो, उसे लेकिन उसे प्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। ऐसा नहीं है कि बाहर के जो लोग हैं उनके पास टैलेंट की कमी है। आप मुंबई में जाओगे, अगर आप एक ऑडिशन रखो, आपको एक पे एक टैलेंटेड लोग मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे कास्टिंग से लेके और जो ऊपर तक भरे हुए लोग हैं, वो सब नेपोटिज्म का शिकार है, और ये सब लोग जो आउटसाइडर है उसको प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो बाहर के लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलना चाहिए, जो उनका हक है, जो जिस तरीके से उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए और किया जाना चाहिए, उस तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आज हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है इस नेपोटिज्म पे वार करने का। ये जो फिल्म है दिल बेचारा, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म है, इसे ट्रिब्यूट देने का, सच्ची श्रद्धांजलि देने का, और एक नेपोटिज्म जो बॉलीवुड में व्याप्त है उस पर एक गहरा वार हो, तभी जाके जो आउटसाइडर है उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक कहावत है कि एबिलिटी इज लिटिल अकाउंट विदाउट अपॉर्चुनिटी। आपके अंदर लाख टैलेंट है, लेकिन अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और ये जो जिस तरीके से लोग ये जकड़ के बैठे हैं ना, हमें मौका है, प्लीज़ आप लोग इस फिल्म को देखिए,
सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने चाहिए, ताकि उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए जो हमारे इंडस्ट्री में इस तरह की हरकतें करते हैं लोगों को टॉर्चर करने का, अपकमिंग जो नए आउटसाइडर उन्हें परेशान करने का, ये प्रथा धीरे धीरे ख़त्म हो। इसी उम्मीद के साथ आप सबको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप OTT प्लेटफॉर्म पे है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपको थिएटर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि COVID-19 के वजह से ये फिल्म थिएटर में प्रदर्शित नहीं हो पाई है। हालांकि इस फिल्म का रिलीज कई बार टल गया है और अंततः आज फिल्म में रिलीज हो गई है। आप OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर जाइए, इस फिल्म को देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, बताइए लोगों को, फिल्म देखने के लिए बोलिए, ताकि ये सारे रिकॉर्ड टूटे और जो ये बॉलीवुड में जो ये नेपोटिज्म का एक प्रथा है उस पर आघात हो और धीरे धीरे उम्मीद हम सब कर सकते हैं कि इस प्रथा का अंत हो और वो जो भी आउटसाइडर, चाहे हो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, टेक्नीशियन हो, उन्हें भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जैसा आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया है, और शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें एक पता चलता है कि हमने क्या किया है और एक मोटिवेशन मिलता है कुछ और अच्छा बनाने के लिए, करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।